है, मैं उसको धोती हूँ ऐसे ऐसे। तो ये भी चल गया सी कि जैसे ये पाइप है, इसको ऐसे ऐसे साबुन से धोती हूँ, फिर ऐसे ऐसे हाथों को, पाइप हाथों को, फिर आवाज आ गई। तो अब तक तो आवाज का सीन नहीं था, पाइप का ऐसे ही था कि ये टच वोल्टर। अब आवाज के साथ साथ भी फिर उसको फिर दोबारा से, फिर दोबारा से, फिर मतलब कितनी बार, फिर किसी की आवाज आ गई, फिर ऐसे ले जाती हूँ, फिर दोबारा से फिर ऐसे ले जाती हूँ, फिर ऐसे ऐसे करती हूँ। और भी खतरनाक काम हो जाता है, मेरे हाथ थक जाते हैं, जैसे हाथ में पाइप है, साबुन में हाथ है, फिर ऐसे ऐसे। तो लगता है ये हाथ इधर चला गया, ये हाथ इधर चला गया, जबकि ये कहाँ चला जाएगा, इतना सा तो होता है। पानी में निकलने के बाद तो आ जाती है समझ, तब नहीं आती है पानी। जब पानी में होते हो हाँ, तो और मैं जैसे ऐसे झुकी हुई होती हूँ, पाइप हाथ में हाँ होता है क्योंकि साबुन होता है ऐसे, तो मेरी पीठ में दर्द होने लगता है, लेकिन हालत खराब तो हो जाती है, लेकिन वो करना नहीं छोड़ती ऐसे ऐसे। हाँ और हाथ में पाइप साबुन, मतलब साबुन को छोड़ के देखती हूँ तो साबुन के हाथ तो होते हैं, तो हाँ बार बार पाइप, और पहले तो आधे पाइप को धोती थी, अब जहां तक वो ऊपर लगा होता है ना उसके नल में जो लगा होता है, वहां तक ले जाती हूँ। अच्छा, ऊपर तक तो सारा हाँ ही, ऊपर जहां तक तक हाथ सारा, पहुंचता है हाँ वहां तक धो हाँ देते हो। हाँ टूटी में जो लगा होता है वहां तक। और अब तो अनुई धोती है, मेरे से धोया भी नहीं जाता उसको, तो नल को तो पाइप वो लगाएगी, उसके बाद का ये क्रियाकर्म मैं करती हूँ, वो धो देती है। बिल्कुल क्यों, मैं धोऊंगी तो 2-1 2 घंटा में धोने में लगा दूंगी। हाँ सर्दियों में 6-6 7-7 घंटे हो जाते थे मुझे, क्योंकि मैं खुद करती थी, अनु तो चली जाती थी, टीचिंग क्लास लगी हुई थी, हाँ तो मैं करती थी पीछे से। तो करी वो ये लेटरिन की सीट भी धोनी, उसका वो सब खिड़कियाँ धोनी, बाकी का और भी कुछ धोना, 1 2 घंटे तो उसमें निकल जाते बिल्कुल थे। फिर नहाना धोना, तो शाम हो रात हो जाती थी, 6-7 बजे तो रात हो जाती है इन दिनों में, छः हाँ सात क्यों 5-6 हो जाती है, छोटे दिन आ गए ना। बिल्कुल कोई बात नहीं, अब आप समझिएगा, अब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो जैसे ही आप नहाते हैं, नहा रहे होते हैं, नहाते समय विचार आता है, आवाजें सुनते हैं, आवाजें सुनते ही आपका विचार आ जाता है कि यहां से टच हो गई और मैं गंदी हो गई, ये विचार आ जाता है। आज टच होने का विचार आता है हाँ और गंदगी का जो एहसास होता है, वह गंदगी का एहसास। और खतरा क्या होता है कि आप अगर गंदी हो गई या हाथ टच हो गया तो इससे हो क्या जाएगा? तो मुझे भी नहीं पता, गंदी हो गई तो क्या ऐसा आता है मन में कि अब मैं जिस सामान को हाथ जैसे मुझे लगाऊं? कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ लग जाएगा, मैं भी मतलब सड़ जाऊंगी, या फिर जहां बिस्तर पर जाऊंगी वो बिस्तर गंदा हो जाएगा, और जिस दिन चादर धुलती है उस दिन तो बस कोई निकाल नहीं सकता मुझे ना, वो हाँ, बात। मुझे कुछ हो जाएगा, बिस्तर गंदा हो जाएगा। हाँ अब तक बिस्तर को लेकर बहुत लेन देन था, अब खुद से भी बहुत लेन देन है कि नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, बिस्तर की तो ऐसी तैसी, वो तो देखा जाएगा। अनु बोले कि मम्मी चादर तो भी धुल जाएगी यार, तो ये तो क्या हुआ, मैंने कि नहीं मेरी मेरी बॉडी में कुछ हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो ये आपका फ्यूचर से संबंधित खतरा है, ये वर्तमान में आता है कि हाथ टच हो गया, वो अभी हुआ है, गंदगी का एहसास है, वो वर्तमान में ही होता है, अभी में हो रहा है कि अभी मैं गंदी हो गई, अभी शरीर गंदा हो गया, लेकिन फ्यूचर में इसकी वजह से कुछ हो जाएगा वो बाद में होगा, मुझे जो कुछ हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, हाँ वो बिस्तर गंदा हो तो जाएगा। मैं नहा कर जाऊंगी बिस्तर हाँ, गंदा अभी हुआ नहीं है, हो हो जाएगा अगर मैं गई जाएगा, तो। हाँ, बिस्तर को टच करते ही बिस्तर गंदा हो जाएगा, ये होगा फ्यूचर में। तो अब मन क्या कहता है कि ये जैसे ही खतरा बढ़ता है, फ्यूचर का खतरा बढ़ता है, गंदगी का खतरा बढ़ता है, तो मन फिर आपको सॉल्यूशन भी देता है। मन कहता है डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक उपाय भी है, एक ऐसे मैं तरीका है। बोलती भी हूँ, नहीं होता है फिर, मुझे कुछ खुद से बोल लेती हूँ, ले होता नहीं है कुछ, कि कुछ नहीं होगा, कहीं मर नहीं जाऊंगी, क्या हाँ क्या बोल देती हूँ अपने आप से, फिर भी नहीं, फिर
वही तो, कोशिश तो बहुत करते हो, कोशिश लेकिन क्या है कि अचेतन मन में डाटा इतना पड़ा हुआ है कि वो आपके लॉजिक मन की चलने कहाँ देता है। जानते सब कुछ हो लेकिन अचेतन मन जो कहता है होता वही है, वो कहते हैं ना हाँ, वो ये हम जो चाहेंगे वही होगा। हाँ, पहले मंजूरे जो ओसीडी होगा होगा वही जो मंजूरे ओसीडी होगा। पहले मैं हाँ यही बोलती थी मैं ऐसे पहले हाँ। तो कुछ नहीं होगा, जैसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, अब बोलती हूँ तो कुछ असर नहीं होता। कोई बात नहीं, तो मन सॉल्यूशन क्या देता है, लेकिन मन का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन बीकेम ए प्रॉब्लम। मन अपनी तरफ से सुझाव देता है, जैसे खतरा पड़ता है मन ने तो ऑटो मोड पे जो मन में फंक्शन होता है कि जैसे खतरा बढ़ेगा वो तो अपना काम करेगा, वो तो खतरे को कम करने के लिए कोई ना कोई सुझाव देगा, ये नॉर्मल मन की फंक्शनिंग है। अब मन को ये नहीं पता कि ये जो खतरा है ये रियल है या फेक है, उसे इतना पता है कि खतरा है बस, तो वो खतरे को कम करने के सुझाव देगा ही देगा, उसका काम है। अगर वो खतरे को कम करने के सुझाव ना दे तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाए, वो तो खतरा पैदा होते ही तीन ऑप्शन भेज देगा, फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज, भागो दौड़ो या सामना करो। तो यहाँ पर फिर क्या कहता है, खतरा पैदा हो जाएगा उसको पहले ही निपट लो, फ्यूचर में हो इससे अच्छा है कि इसे पैदा ही ना होने दो। तो वो डूइंग का ऑप्शन देता है पहला डूइंग अर्थात करना। तो मन कहता है कि आप बाहर जाओगी वॉशरूम से तभी तो किसी से टच होगी ना, जब बाहर जाओ तो ये साफ होके जाओ फिर नो खतरा। तो वो आपको करने को कहता है, डूइंग में क्या आता है, डूइंग में आता है धोना, क्या क्या धोती हो, धोना साफ करना, बोलो क्या किस किस की धुलाई ज्यादा होती है अभी तो, हाथों की पैरों की या सिर की, हर चीज की होती है। हाँ, धोना और नहाना ये कंपल्शन है, ठीक है, और भी कोई कंपल्शन है, काम करती हूँ तो हर चीज में होता ही है। हाँ। कुछ काम कर लो, कपड़ा धोना, बर्तन बार बार धोना पड़ता है, जैसे एक ही कटोरी है तो उसको बार बार करना पड़ता है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग, इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है, भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी, गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। धोना बार बार, ये बार बार अगर झाड़ू पोछा भी करना होता है तो पोछा भी बार बार करना होता है, उसको बार बार धो उसको। तो बार बार करने से खतरा टल जाता है, ये आपके मन ने आपको सुझाव दिया और आपकी बुद्धि ने ये स्वीकार कर लिया। टलता तो नहीं है, बस टलता नहीं है, लेकिन आपके लिए तो टल ही रहा है, कुछ कर दिया मैंने
अब देखिए आपका हाथ टच हो गया, जैसे नहाते समय एक को हाथ टच हो गया, एक आवाजें आ गई तो आपको गंदगी का एहसास हुआ, तो फिर आपको लगा कि बिस्तर गंदा हो जाएगा, तो आपके मन ने सुझाव दिया कि नहा लो धो लो बार बार कर लो तो शुद्ध हो जाओगे, साफ हो जाओगे, और आपको लगा कि आप साफ हो गई, अब कहीं भी आप टच कर सकती हैं। और अगली बार से मन कहता है कि भाई इतना खतरा मोल लेना, ये खतरा बढ़ना धोना ये बहुत झमेले का काम है, तो इससे बचने का भी उपाय है कि नहाते समय आवाजों को ही मत सुनो, आवाजें ना आए तो आप आवाजों को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, कानों को क्या करती हैं, कानों को बंद करती हैं, तो हाथ में वो होता है कानों को कैसे बंद, तो आवाजों को कैसे अवॉइड करते हैं, तब तक बंद नहीं हो जाती, लगी रहती हूँ तभी तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो अगली बार से कैसे करते हो कि आप सोचते हो कि आवाजें ही ना आए, सोचती हूँ ये तो कि आवाज ना आए, आवाज ना आए, हाँ तो लेकिन आवाजों को रोका नहीं जा सकता ना, लेकिन डूइंग फिर बढ़ जाता है, अगर अवॉइडेंस नहीं हो पाए तो डूइंग बढ़ जाएगा, अगर अवॉइडेंस ज्यादा हो गया तो डूइंग कम हो जाएगा, ये दोनों चलते रहते हैं, तो आपका ये टाइम इसलिए लग रहा है कि आप अवॉइड नहीं कर पा रही है ना, मन तो कहता है अवॉइड करो लेकिन आवाजों को कैसे सुनना बंद करो, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं बोली होती तो अच्छा होता, मतलब सुनाई नहीं देता। हाँ हाँ एक दिन हाँ लगा था ऐसा भी कि इससे अच्छा तो मुझे सुन ही ना कुछ, सुनो ही ना। नहीं, फिर मुझे ये भी तो पता है ना कि चलो यहाँ से हट भी जाएगा, सुनेगा नहीं तो ये तो कहीं और से शुरू हो जाएगी, ये तो होती रहती है। ऐसा करते हैं कि कानों को फोड़ ही देते हैं, उनमें डाल देते हैं, कील डाल देते हैं, क्योंकि करती हूँ मैं, मुझे तो बहुत कुछ पता ना कि ये होती रहती है, होती रहती है, खत्म ही नहीं होती है। बिल्कुल, तो अवॉइडेंस आपके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ ट्रिगर ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, तो डूइंग ज्यादा हो जाती है, ओसीडी करना ज्यादा रहेगा ना क्योंकि अवॉइड नहीं हो पा रहा है। अब कुत्तों को तो आप अवॉइड कर देती हैं, देखती नहीं है ना, देखती नहीं। हाँ तो वो चीजें तो एक बार मैनेज रहती हैं, लेकिन दिख गया तो फिर डूइंग बढ़ जाएगा, अवॉइडेंस नहीं हो पाए तो डूइंग बढ़ जाएगा, इसीलिए देखती नहीं हो, इसीलिए नहीं देखती कि देख गया, सारा टाइम फोन लगाएगा, इसीलिए देखने से ही बचो। हाँ एक बार में इतनी बल्ले बल्ले हो जाती है, हाँ पूरा दिन तो उसमें निकल जाता, दोबारा फोन आए। सही बात। तो अब आपने क्या करना है, पहले हम नहाने वाले ट्रिगर पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कुत्ते वाले ट्रिगर पर भी फोकस करेंगे, कुत्ते को भी लेके आएंगे, कुत्ते के पास भी जाएंगे, कुत्ते की बहन को भी छुएंगे, कुत्ते की बेटी भतीजी, उस कुत्ते की सास, कुत्ते की नानेर सास, कुत्ते की दादेर सास, सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे और उनको पार्टी भी देंगे और कहेंगे कि भाई अपने प्रिया जी को छुओ, प्रिया जी जहां जहां हाथ लगाए सारी जगह पर अपने पैर रख दो, तो आज आपको कुत्ते छूने वाले हैं, ठीक है, आज इसके इस सेशन के बाद ये सेशन नहाने वाला है, ठीक है, पहले नहाने वाली समस्या को ठीक करते हैं फिर कुत्ते वाली करते हैं, ओके। तो अभी तक क्या समझ में आया, ये सब आ गया, आ गया, ठीक हो गई, नहीं अभी नहीं हो जाएंगे, तो अभी देखिएगा कि आपके लिए ये पूरा एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट को अभी हमने फिल किया है, ये सबसे पहले ट्रिगर आता है कि आप नहाते समय आवाजें सुन लेती हैं, आवाजें सुनते ही आपको वो सेशन आते हैं, वहम आते हैं, तो हाथ टच होने का विचार आता है, गंदगी का एहसास होता है, फिर आपके लिए फ्यूचर में खतरा बढ़ जाता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं जहाँ टच करूंगी वो स्थान गंदा हो जाएगा, फिर मन सुझाव देता है कि धो लो बार बार धो लो नहा लो तो टच करने के बाद भी गंदगी फैलेगी नहीं, तो भी शुद्ध हो जाओगी, और फिर आप सोचती हो कि आवाजें ना ही आए, तो ये कहानी है, ये कितने सालों से हो रहा है, 23 हो गए साल, 23 सालों से आप ये कर रही हैं, क्या 23 सालों से आप ये नहीं सोच पाए कि ये करने के बाद करने से तो ठीक हो ही नहीं सकते, नहीं बस ये आराम मिल जाता है, चैन मिल जाता है, सब कुछ कर, 23 साल से आप इसी दिशा में चल रहे हैं, ये से बी की तरफ बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना, अब आपको
क्या मुझसे निकलना आता था, मैं निकल जाती थी, अब मुझसे निकलना नहीं आता। निकल ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी दिशा ही गलत है। आप डी से ए को ठीक करना चाहती हैं। आप क्या सोचती हैं कि आप जितनी डूइंग करेंगे या बचेंगे उससे आपका खतरा कम हो जाएगा, लेकिन डूइंग से और अवॉइडेंस से खतरा बढ़ता है। सी है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है, पावरफुल। ये तो रॉन्ग बिलीफ है कि आप गंदी हुई। क्या सही में गंदी हुई? बिल्कुल नहीं हुई। और आपको कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसे आवाजें सुनने से होता तो वॉशरूम के बाहर आवाजें सुनने से ही हो जाना था ना, तो होता तो कुछ भी नहीं। तो ये तो नकली बिलीफ है ना, लेकिन आप डूइंग करेंगी तो ये नकली बिलीफ असली लगने लग जाता है। आपके करने से जो सी है वो असली लगने लग जाता है। सी में जो नकली खतरा है वो असली लगने लग जाता है, लेकिन ये खतरा 0% नकली है, फेक खतरा है, लेकिन आपने इसे रियल माना है। जब खतरा ही नकली है तो आपको धोने की अवॉइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको सी को सबसे ज्यादा समझना है, पूरा फोकस सी पे करना है कि कुछ गंदा होता ही हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में गंदगी नाम की चीज ही नहीं है, सिर्फ गंदगी शब्द ही है, और गंदगी शब्द के अलावा कहीं गंदगी नहीं है। गीता के 18 अध्याय टाइम एंड स्पेस के वीडियो आपके इस नकली डर को ही तो हटाता है। नहीं कहते नहीं कृष्ण की यहाँ कण कण में तो है ही, कहते मल मूत्र में भी है वो, मन मूत्र भी तो सारा इन्हीं पदार्थों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो फिर भी मैं ये बात सोचती हूँ तो उसमें भी है, हर चीज में है, फिर भी क्यों करते हूँ ऐसा? वो इसलिए कि आपके मन में डेटा स्टोर हो गया है। जब डेटा डिलीट हो जाएगा तो करना बंद कर दोगे। तो पहले समझना है, पहले गीता के द्वारा आपने फाइट करने के लिए रेडी होना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्यायों की गीता सुनाई। गीता सुनाने से अर्जुन युद्ध जीत नहीं गया था, युद्ध तो उसे बाद में करना पड़ा था, लेकिन 18 अध्यायों से अर्जुन तैयार हो गया था। तो आपको पहले तैयार होना है, माइंड को स्ट्रोंग करना है। तो 18 अध्यायों की गीता माइंड को स्ट्रोंग करती है, तो वो पहले 18 अध्याय सुनने हैं, फिर फाइट हो जाएगी। ठीक है, ओके, फाइट।